बेसिक बॉडीज ब्लॉक का फ्रंट और बैक पार्ट इस तरह से रखेंगे। एंड उसके बाद हमें यहाँ से मेजर कर लेना है, इस तरह से मैच करते हुए रखेंगे। हाफ हाफ इंच ओवरलैप कर देंगे मार्जिन का। ये हम कुर्ती में भी सेम इसी तरह से करने वाले हैं, मार्जिन ओवरलैप हाफ इंच फोल्ड करके हाफ इंच अंदर रखना है। इसके बाद हम हाफ इंच अंदर से मेजर कर लेंगे, यानी कि इससे हाफ इंचेस अंदर हमें मापना है। यहाँ से हम मेजर करेंगे, अठारह इंच आ रहा है। सो इसी 18 इंच पे हमें स्लीव ब्लॉक रेडी करना है। स्लीव ब्लॉक के लिए इस तरह से फोल्डिंग करके पेपर ले लेंगे। ये हमारा फोल्ड साइड है, यहाँ पे हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले नीचे एक बेस लाइन बना लेते हैं, जो जो मेजरमेंट चाहिए वो हम यहाँ लिखेंगे। स्लीव लेंथ 10 इंचेस, स्लीव राउंड 8 इंचेस एंड आर्म होल नॉट फ्रॉम बॉडी फ्रॉम आवर पेपर। बॉडीज आर्म होल कितना आया, इसका हमने मेजर किया तो कितना आर्म होल आया, 14। सो इसी 14 के अकॉर्डिंग, सॉरी 18, इसी 18 के अकॉर्डिंग हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। स्लीव लेंथ की मार्किंग करेंगे, स्लीव लेंथ 10 है, सो 10 प्लस 1.5 इंचेस मार्जिन। स्लीव 10, 10 प्लस 1, 10, 11.5। ए टू बी मार्किंग, स्लीव लेंथ प्लस 1.5 इंचेस। अब हमें देखो हमारी स्लीव किस तरह से दिखती है, पहले वो मैं आपको बताती हूँ कि देखो स्लीव इस तरह से दिखती है, राइट? कटिंग के बाद स्लीव इस तरह से दिखेगी, बट पहनने के बाद कैसे दिखेगी, ऐसी, राइट? सो अभी हम हाफ पार्ट बना रहे हैं, नाउ वी आर मार्किंग हाफ पार्ट। हम सिर्फ और सिर्फ ये पार्ट बना रहे हैं। सो हमने सबसे पहले ए टू बी लेंथ तो मार्क कर लिया, नाउ वी हैव टू मार्क कैप हाइट। अब हमें मार्क करना है कैप हाइट। कैप हाइट मतलब यहाँ से ये कितना डाउन हमारा जाएगा। तो अभी हम यहाँ एक मार्किंग करेंगे कि हमारी कैप हाइट हमें कितनी चाहिए। सो ये कैप हाइट हम हमारा जो बॉडीज ब्लॉक लेते वक्त हमने जो आर्म होल लेंथ ली थी उसका आधा लेंगे। हाउ मच वी हैड टेकन अवर आर्म होल लेंथ, वी हैव टू टेक हाफ। मीन्स इफ आई हैड टेकन 7 इंच देन आई हैव टू मार्क 3.5। क्लियर? इसका जो ए टू सी हमने लिया उससे हाफ हमारा स्लीव का ए टू सी होगा तो परफेक्ट आएगी। एवरीवन क्लियर? अभी सबको आवाज भी क्लियर आ रही है ना? हेलो, देखो सबसे पहले हमने स्लीव लेंथ मार्क की, उसके बाद हम स्लीव की कैप हाइट मार्क कर रहे हैं, जो कि ये कितना डाउन करना है वो हम देख रहे हैं। तो फिर देखो ये जितना है उसका हाफ ले लिया, जब हमने बॉडीज ब्लॉक बनाते वक्त ये जितना लिया था उसका हाफ ले लिया। कुर्ती में भी हम सेम चीज़ करने वाले हैं, कुछ भी अलग नहीं होगा। 3.5 आ गया, सो मैंने 3.5 ले लिया यहाँ। अभी यहाँ से हम सीधी लाइन खींच लेंगे, स्ट्रेट लाइन। अब हम क्या करेंगे, हमने जो आर्म होल राउंड मेजर किया 18 इंचेस उसका हाफ हम इस तरह से मार्क करेंगे। 18 हाफ 9, 9 को यहाँ मार्क करेंगे एंड 2 इंचेस, 9 को यहाँ पकड़ेंगे एंड 2 इंचेस ये सी वाली लाइन के नीचे जाने देंगे। 2 इंचेस डाउन साइड फ्रॉम सी लाइन, ऑल द लेफ्ट ओवर इंचेस अप साइड। इसमें हम कुछ भी माइनस प्लस नहीं कर रहे हैं, अभी जितना है उतना ही ले रहे हैं। 18 इंच हमारा ये मेज़र करने पर आया तो हम 18 का आधा 9 ही लेंगे।
18 का आधा 9 में से 2 इंच हमने नीचे रखा, तो इस तरह से हम मार्क करेंगे। कुछ भी हमने माइनस प्लस नहीं किया क्योंकि और ऐड करने की जरूरत नहीं है, हमने मार्जिन के साथ ही बॉडीज ब्लॉक बनाया था। सो देखो ये टोटल 9 है बट 7 इंच ऊपर है एंड 2 इंचेस जो हमारा सीम अलाउंस का होता है वो नीचे है। अब हम इस 2 इंच को ऊपर शिफ्ट कर देंगे यहाँ ऐसे, ये कैंसिल और हमारी लाइन जाएगी ऐसे। अब हमने ये यहाँ जितना बच रहा है उसका सेंटर करना है, वी हैव टू टेक सेंटर। हाफ इंचेस ऊपर जाएंगे, ए पॉइंट से हल्का सा सीधा जाएंगे। अब देखो शेप किस तरह से मार्क करे वो मेन है, यहाँ से हाफ इंच ऊपर गए। अभी इसको हमने यहाँ टच कर देना है, आप इसका सेंटर भी ले सकते हो। देखो फर्स्ट इसका फुल का सेंटर लिया, फिर इस बचे हुए का सेंटर लेना है। इस सेंटर पे टच करते हुए ऐसे, अब आप देख सकते हो कि किस तरह से कनेक्टेड लग रहा है। अब इसका हमें यहाँ से हमें फ्रंट आर्म होल मार्क करना है, वो तो हमारा बैक आर्म होल हो गया, ये हमारा फ्रंट आर्म होल होगा। क्लियर? ऊपर के आर्म होल कैसे मार्क किए, सबसे इम्पोर्टेंट यही चीज है। अभी नीचे का, सो नीचे का स्लीव राउंड डिवाइड बाय 2, स्लीव राउंड 8 इंचेस है, 8 डिवाइड बाय 2 4 प्लस 2 इंचेस मार्जिन। अब हम इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, फिर इस पॉइंट को इससे मिलाएंगे, हो गया स्लीव्स मार्किंग। जिस जिसको क्लियर हुआ वो सब हैंड रेज कीजिए। देखो हम यहाँ से कटिंग कर रहे हैं, फिर यहाँ से इस तरह, चलो यहाँ से हम कट करेंगे। अभी हम इस तरह से खोल लेंगे और फ्रंट काट लेंगे। अब हम सीखेंगे स्लीव्स वेरिएशन, तो मैं यहाँ आपके सामने नोट्स खोल देती हूँ पहले स्लीव का, जिसमें हम सबसे पहले स्टार्ट करेंगे शॉर्ट स्लीव से। देखो बहुत लोग क्या करते हैं स्लीव्स बनाते वक्त, शॉर्ट स्लीव बनाते वक्त, कि मान लीजिए 3 इंच की स्लीव बनानी है तो 3+4 का लेंगे, बट यहाँ पे कैप हाइट जो है खत्म हो जा रही है, कैप हाइट के नजदीक आ जा रही है लेंथ, तो वो लोग क्या करते हैं कैप हाइट कम कर देते हैं। कैप हाइट कम करने से रिंकल्स आएंगे, बिल्कुल अच्छी फिटिंग नहीं आएगी। तो कैप हाइट आप लोगों को कम नहीं करनी, इसकी ए टू सी आपको कम नहीं करनी, जब तक कि आप कि कोई भी स्लीव हो तभी आपको कम नहीं करना, चाहे शॉर्ट स्लीव हो चाहे कुछ भी हो, आपको ये चीज़ कम नहीं करनी, नहीं तो रिंकल्स आएगा। यू डोंट हैव टू टेक लेस कैप हाइट फॉर शॉर्ट स्लीव, रिमेंबर शॉर्ट स्लीव के लिए कभी भी कैप हाइट कम नहीं लेंगे, कैप हाइट तो हमें उतनी ही लेनी है। तो हम शॉर्ट स्लीव किस तरह से बनाएंगे वो देखेंगे अभी। देखो हमें चाहिए 3 इंचेस की शॉर्ट स्लीव, सो 3+1.5 4.5, सो अगर हम इस तरह से काट लेते हैं तो कैप हाइट के नीचे वाला पोर्शन कम बचेगा, तो ये चीज़ का सॉल्यूशन कैसे होगा वो हम देखेंगे। लेट्स सी हाउ टू ड्राफ्ट शॉर्ट स्लीव।